ये चीज़ मुझे काफ़ी सरप्राइज करी। यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरा शायद से एक रेयर ऑफ केस हो सकता है। आज हम लोग करेंगे इजी डब्ल्यू पी होस्टिंग का रिव्यू जो कि नेमचीप की तरफ से आती है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। सो मैं इसे पिछले एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसे एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, डाउन टाइम चेक किया है, स्पीड चेक करिए। तो आज मैं आप लोगों को इसका एक थॉरो रिव्यू दूंगा कि इसके क्या प्लस हैं क्या माइनस है। हम लोग इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इसको डिटेल्ड में कि ये होस्टिंग सही में अच्छी है कि नहीं है और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स है, क्या आप लोगों को ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सो एक ये मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग है। मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग मींस ये कम्पीट करती है डब्ल्यू पी इंजन जैसी वेबसाइट से। सो नेमचीप इज ग्रोइंग रियली नाइस सिंस लास्ट ईयर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। हम लोग इसके एक एक एस्पेक्ट को देखेंगे एंड देन आखिरी में हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। सो शुरुआत करते हैं इसके ओवरव्यू से। सो ये है इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे ये सिंपल सा डैशबोर्ड है। इजी डब्ल्यू पी का मतलब यही है कि इजी वर्डप्रेस सॉल्यूशन ये आपको दे पाए, सबको एक इजी इंटरफेस ये प्रोवाइड कर पाए। सो ये इसका डैशबोर्ड है, कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम सिंपल है। ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ओशन डब्ल्यू पी थीम का और उसमें से ये टेम्पलेट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जिम टेम्पलेट का। हमेशा मैं इसी टेम्पलेट का यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पर भी मैंने इसी का यूज़ किया है। ये होस्टेड है मेरे US के सर्वर्स पे और मैं यहाँ पे इसको खोलता हूँ। ये जैसे ही मैं इसको खोलूँगा यहाँ पे मेरे को ओवरव्यू मिल जाएगा। वर्डप्रेस स्टोरेज मेरे पास 50 GB है। रिन्यू December 29। सो ये रिन्यू होने वाली है, रिन्यू होने से पहले मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। सो इसको मैं पिछले एक महीने से लगभग यूज़ कर रहा हूँ। डोमेन SSL सर्टिफिकेट, यहाँ से मैं डोमेन मैनेज कर सकता हूँ। SSL मुझे मिलता है, CDN पे हम लोग बाद में आएंगे। प्लान यहाँ पे मेरा आ जाता है और यहाँ पे मैं बैकअप्स ले सकता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मेरा फाइल एंड डेटाबेस है, अगर मुझे डेटाबेस एक्सेस करना है या फिर अगर मुझे SFTP से एक्सेस करना है फाइल्स को। कोई फाइल मैनेजर मुझे नहीं मिलता है, कोई सी पैनल मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स टाइम की। जो मुझे यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिला है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, काफ़ी कम देखने को मिला है। US में तो 2572 ऐसा मिला है, लंदन में आते आते 164, सिंगापुर में 189, सब जगह पे 200 से कम है सिवाय बैंगलोर के, सिवाय इंडिया के। और यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल कोई CDN नहीं यूज़ किया, ये बिना CDN के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस टाइप से मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिला है। एंड यहाँ पे जो गूगल जो रिकमेंड करता है वो रहता है 200 ms, तो सारी जगह पे 200 ms से कम है, दैट्स गुड। सिर्फ बैंगलोर में थोड़ा हाई है। तो A+ की रेटिंग मुझे मिली है फॉर माई सर्वर रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम बिटकैचर। अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिली है। अगर मैं यहाँ पे बैंगलोर की बात करूँ तो मुझे अंडर 3 सेकंड में मेरी ये वेबसाइट लोड हो रही है। सो दैट्स वेरी गुड कंसिडरिंग कि इसके सर्वर्स भी यहाँ पर नहीं है। सो इट इज़ मैनेज्ड होस्टिंग, ये होस्टेड है नेमचीप क्लाउड पे, तो स्पीड तो बनती है और यहाँ पर मुझे वो रिजल्ट्स भी मिले जो मुझे एक्सपेक्टेड थे। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो हम लोग इसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं साइटग्राउंड से, साइटग्राउंड जैसे होस्टिंग से इसे डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है स्पीड और सर्वर रिस्पॉन्स टाइम पे। अगर यहाँ पे मैं एवरेज फर्स्ट विजिट की बात करूँ ऑल ओवर द ग्लोब की, न्यूयॉर्क लंदन में तो मुझे काफ़ी कम टाइम देखने को मिल रहा है, सैन फ्रांसिस्को में 1 सेकंड के आसपास मिल रहा है। तो जो मेरा एवरेज फर्स्ट विजिट का टाइम है वो है 3.7 सेकंड विदाउट यूजिंग अ CDN। तो ये काफ़ी अच्छा स्पीड रिकॉर्ड है, स्पीड टाइमिंग है यहाँ पर। एवरेज सेकंड विजिट इज जस्ट 1.5 सेकंड, मीन्स इनका जो कैशे सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो स्पीड इज वेरी गुड ऑन इजी डब्ल्यू पी होस्टिंग। अगर मैं यहाँ पे कैशे मैनेजर की बात करूँ तो नेमचीप ने कहीं अपने होम पेज पे मेंशन नहीं किया कि इजी डब्ल्यू पी में कैसा कैशे मैनेजर यूज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने काफ़ी अच्छा कैशे मैनेजर यूज़ किया है। एंड अगर वो यही चीज़ अपने होम पेज में इम्प्लीमेंट कर देते, होम पेज में बता देते तो मुझे काफ़ी खुशी होती। तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया है वो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 लेवल की कैशिंग इन्होंने इनेबल करी है। वार्निश कैशिंग है, एक OP कैश है और एक रेडिस ऑब्जेक्ट कैश है। तो इस टाइप की इन्होंने 3 लेवल्स की यहाँ पे कैशिंग इंप्लीमेंट करी है। हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारे काम की चीज़ है कि हमें स्पीड मिलनी चाहिए और इस कैशे को यूज़ कैसे करना है। नाउ आप लोग यहाँ पे प्लगइन ढूंढोगे, आप लोगों को प्लगइन नहीं मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में इंप्लीमेंटेड है। आप लोगों का सिर्फ यहाँ पे क्लियर कैशे का बटन मिलता है, तो जब भी आप लोग कुछ यहाँ पे चेंजेस करने रहेंगे तो इस क्लियर कैशे बटन का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। डेटा सेंटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे डेटा सेंटर्स जो है वो एरिजोना में है, USA में है और फिनिक्स में है। इंडिया एशिया में कोई डेटा सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। CDN की अब बात करूँ तो रिसेंटली इन्होंने फ्री CDN देना स्टार्ट कर दिया है
उन डोमेन्स के लिए जो नेम चीप पर है। अगर मेरा डोमेन नेम चीप पर है तो मुझे फ्री CDN मिलेगा। नाउ मैंने कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट किया, उनसे पूछा कि अगर मेरा डोमेन नेम चीप पे नहीं है तो भी क्या मुझे CDN मिल सकता है। तो उनका ये रिस्पॉन्स था कि फ्यूचर में ये चीज़ आने वाली है, इस पर वर्क चल रहा है एंड फ्यूचर में सभी डोमेन्स के लिए CDN मिलेगा। तो फ्री CDN एक काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड डेफिनेटली इससे आपकी स्पीड ऑल ओवर द ग्लोब काफ़ी अच्छी हो जाएगी एंड जो डेटा सेंटर एशिया में नहीं है शायद से उसको भी किसी हद तक कोप अप कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे बैकअप्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग बैकअप आप लोगों को मैनुअली लेना पड़ेगा। ये चीज़ इसकी एक बहुत ही बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, मुझे अपने डैशबोर्ड में जाके बैकअप में जाके क्रिएट बैकअप करना पड़ेगा। तो इस टाइप से मेरा मैनुअल बैकअप क्रिएट होगा, इसमें ऑटोमेशन नहीं है। ये चीज़ बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, ऑटोमेटेड बैकअप्स होना बहुत ज़रूरी रहता है आजकल की वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए। कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 24/7 लाइव चैट सपोर्ट मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा रहा है अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में, और काफ़ी मीन्स विद इन अ मिनट आप लोगों को वहाँ से रिप्लाई आ जाता है। तो फास्ट भी है, अच्छा भी है, नॉलेजेबल भी है। और लेकिन यहाँ पे बस एक ड्रॉबैक है कि आप लोगों को कोई फ़ोन सिस्टम नहीं मिलता कि आप लोग कॉल करके उनसे पूछ सको, वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है जो कि आप लोगों को 71 रुपीज़ में आप लोग इसको एक महीने के लिए ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के मैंने भी ये वाला ही ऑफर लिया है, तो ये आप लोगों को इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी करंट ऑफर्स होंगे अभी नेम चीप पे आप लोगों को वो दिख जाएंगे, इसका लिंक भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। आप लोग डेफिनेटली वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट कौन कौन से अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं नेम चीप पे। फिलहाल ये 70 रुपये में एक महीने का दे रहे हैं, तो मैंने भी यही लिया था टेस्ट करने के लिए कैसा चल रहा है। और अगर मैं इसकी रेगुलर प्राइसिंग की बात करूं तो हम लोग यहाँ नीचे आ जाते हैं। रेगुलर प्राइसिंग इज 550 रुपीज़ पर मंथ फॉर EZWP टर्बो प्लान जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग 2 लाख तक के विजिटर्स ले सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग जो कि नेमचीप क्लाउड पे होस्टेड है। अगर यहीं पर मैं से साइड ग्राउंड से कंपेयर करूँ जिसको एकदम होस्टिंग में किंग माना जाता है, तो यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग है जो बीच वाले प्लान के जो सिर्फ 25,000 विजिट्स पर मंथ है, इसकी ये लोग प्राइसिंग ले रहे हैं $20 पर मंथ की। सो लगभग यही चीज मुझे यहाँ पे 17,000 की पड़ेगी जो मुझे EZWP पे 5,000 की मिल रही है, और उसमें मुझे विजिट्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, वेब स्पेस भी ज्यादा मिल रही है यहाँ पे। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर सिर्फ आप लोग एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो जो ये मेरा प्लान रहेगा 5,000 का, मैं यहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट ही डाल पाऊंगा। एक वेबसाइट से ज़्यादा किसी भी प्लान में आप लोग नहीं डाल सकते। कोई भी आप लोग मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग का प्लान ले लो, सिर्फ एक वेबसाइट डाल सकते हो। सो एक ये मेजर ड्रॉबैक रहेगा। लेकिन अगर आपकी एक वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो ये प्राइसिंग उस हिसाब से काफ़ी अच्छी, काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इन्होंने यहाँ पे रखी है। तो अगर मैं यहीं पर इनके बाकी कंपेटिटर्स से इसकी प्राइसिंग का कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मुझे नेम चीप दे रहा है अराउंड $4 पे, वर्डप्रेस पे $5 पे मिल रही है, साइड ग्राउंड पे $12, 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज है, ब्लू होस्ट पे $30 बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, विक्स पे भी $11 का मिल रहा है। तो प्राइसिंग के मामले में ये सही में काफ़ी अच्छी होस्टिंग है। EZWP स्टार्टर है, और अगर मैं यहाँ पे WP इंजन से यहाँ पे मैं इसकी कंपेरिजन करूँ तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे 2,500 की मिल रही है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे 250 रुपये की मिल रही है। सो यहाँ पे आप लोग इसका प्राइसिंग का कंपेरिजन देख सकते हैं। सो ये थी इसकी प्राइसिंग की बात। अब करते हैं हम लोग इसकी रिटर्न की बात। यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी 30 डेज की रहती है, तो अगर आप लोगों को इनकी सर्विस पसंद नहीं आई तो आप लोग 30 डेज में रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं SSL की बात करूँ तो आप लोगों को हर वेबसाइट के साथ फ्री SSL यहाँ पे मिलेगा, दैट्स गुड थिंग। एक ही वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर सकते हो और एक वेबसाइट के साथ आप लोगों को SSL फ्री में मिलेगा। उसको सेटअप करने का भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, काफ़ी ईजी उसका सेटअप है, ऑटोमेटिकली यूजुअली वो सेटअप हो जाता है। नहीं होता है तो सिर्फ आप लोगों को एक दो स्टेप्स में वो सेटअप हो जाएगा। अगर मैं डोमेन्स की बात करूं तो पहले EZWP में ऐसा था कि आप लोगों के डोमेन्स नेम चीप पे होस्टेड होने चाहिए, तभी आप लोग नेम चीप की EZWP होस्टिंग का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन अब इन्होंने रिसेंटली ये चीज़ चेंज कर दी है, अब आप लोग डोमेन्स कहीं पे भी होस्ट कर सकते हैं, चाहे वो GoDaddy पे हो, BigRock पे हो, होस्टिंगर पे हो, SiteGround पे हो, कहीं पर भी हो, इट डजंट मैटर। आपको अपने डोमेन्स नेम चीप पे रखने की अब कंपल्शन नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को टेम्प्ररी डोमेन भी देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर मुझे ये चीज़ मिली है तो इसके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाता हूँ। इस URL पे मेरी वेबसाइट रहती है, मुझे कुछ चीज़ चेंज नहीं करनी है, मैं यहाँ पे आराम से टेस्ट कर सकता हूँ, देन मैं अपने डोमेन नेम को यहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। सो ये टेम्प्ररी डोमेन काफ़ी अच्छा है एंड इसमें कोई लिमिट नहीं है कि ये सिर्फ आप लोगों को 10 दिन पे मिलेगा, 15 दिन पे मिलेगा। जब तक आप लोगों को चाहिए, जब तक आपकी वेबसाइट यहाँ पे होस्टेड है, तब तक ये टेम्प्ररी डोमेन एक्टिवेटेड रहेगा आपके लिए। अगर मैं इसके अप टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे
एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिला है पर्सनली। यहाँ पे अराउंड मेरी वेबसाइट 3 घंटे के लिए डाउन टाइम इसका रहा था पिछले 1 महीने में। ये चीज़ मुझे काफ़ी सरप्राइज करी। यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरा शायद से एक रेयर ऑफ केस हो सकता है। तो ये रहे मेरे रिजल्ट्स पिछले 1 महीने में। ये यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट के लिए इसका डाउन टाइम था। 2 घंटे 15 मिनट एक साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये था 12:12 को, और उससे पहले 12:12 को ही 45 मिनट्स का और डाउन टाइम था। मुझे इसके बारे में कम्युनिकेट नहीं किया था। तो अगर इन लोगों का कोई मेंटेनेंस होता, अगर इन लोगों का कोई अपडेट होता, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार मुझे कम्युनिकेट करते एटलीस्ट कि ये ऐसा होगा इसलिए डाउन टाइम रहेगा आपकी वेबसाइट पे। लेकिन ऐसा मुझे कुछ कम्युनिकेट नहीं किया गया और ये मुझे डाउन टाइम देखने को मिला। इतना डाउन टाइम मुझे आज तक ना होस्टिंगर पे देखने को मिला है, ना साइड ग्राउंड पे देखने को मिला है। अगर उनकी तरफ से कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा था फिर भी ये डाउन टाइम देखने को मिला है क्लाउड होस्टिंग पे, सो दैट्स ऑब्वियसली नॉट गुड। ये जस्टिफाइड नहीं है कि क्लाउड होस्टिंग पे इतना लंबा डाउन टाइम नहीं मिलना चाहिए। बट ऑल इन ऑल इनका अप टाइम 99.48% है लास्ट 30 डेज का, तो इट्स गुड। बट फिर भी कुछ ड्रॉबैक तो है यहाँ पर क्लाउड होस्टिंग होने के बावजूद भी। अगर मैं यहाँ पे माइग्रेशन की बात करूँ तो आप लोग नेमचीप के थ्रू फ्री में अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करवा सकते हो इनके इजी WP सर्वर्स पर। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को PHP 7.3 मिल जाता है, डेटाबेस में MySQL मिल जाता है, और बाकी जो PHP मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे सारे एसेंशियल PHP मॉड्यूल्स आप लोगों को मिल जाते हैं जो जो आप लोगों को वर्डप्रेस में लगेंगे। और एक जो यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट है वो है कि ये अभी इम्प्रूविंग फेज में है, ये अभी इम्प्रूविंग फेज से बाहर नहीं आया है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट होस्टिंग प्रोडक्ट येट। ये चीज़ मैं कैसे कह सकता हूँ, पहले अगर मैं इसके 6 महीने पहले की बात करूँ तो यहाँ पे डोमेन्स अलाउड नहीं थे बाहर के, यहाँ पे CDN नहीं था, SSL को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट था। तो ये पिछले इन्होंने 6 महीने में ये सारे चेंजेस करे हैं एंड आई एम हैप्पी कि इन्होंने ये करें। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि बैकअप्स यहाँ पे ऑटोमेटेड नहीं है, यहाँ पे अभी भी डाउन टाइम देखने को मिलता है। और इन लोगों का जो एफिलिएट प्रोग्राम है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि इजी WP इज नॉट फुल्ली इंटीग्रेटेड, सो वी डोंट प्रोवाइड कमीशन फॉर दिस प्रोडक्ट एट द मोमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, होस्टिंग कंपनीज एफिलिएट मार्केटर्स को कमीशन प्रोवाइड करती करती अगर उनको ग्रो होना है तो उनको पता है एफिलिएट कमीशन एफिलिएट मार्केटर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पे ये एट प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सो इसका एक मेजर मोटिव ये हो सकता है कि अभी वो लोग स्केल के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि जहाँ उन्होंने कमीशन देना चालू कर दिया वहाँ पे सारे एफिलिएट मार्केटर्स इसका रिव्यू देंगे, इसके बारे में कहेंगे, कस्टमर्स लाएंगे इनके पास, मीन्स काफ़ी स्केल में बल्क में इनके पास यूजर्स आएंगे। एट प्रेजेंट ये उसके लिए रेडी नहीं है। एट प्रेजेंट ये बस एक छोटे से यूजर बेस के साथ इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं एंड इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। आई एम गेसिंग बाय नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आप लोगों को एफिलिएट कमीशन भी देखने को मिल जाएगी और ये इनकी होस्टिंग सर्विस भी कंप्लीट हो जाएगी। बट एट प्रेजेंट इट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट और काफी सारे चेंजेस आप लोगों को इसमें अगले साल तक देखने को मिलेंगे। सो लेट्स बंडल दिस अप। अगर हम लोग इसके प्रोस की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी स्पीड मिलती है, अच्छा सर्वर रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, अच्छा कस्टमर सपोर्ट मिलता है, काफी अच्छी प्राइसिंग मिलती है, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो आप लोगों को सिर्फ एक वेबसाइट देखने को मिलती है, कोई ऑटोमेटेड बैकअप्स नहीं है यहाँ पर, डाउन टाइम यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है, सेपरेट सी पैनल नहीं है। नाउ सी पैनल एक ऐसी चीज है जो एडवांटेज भी है कॉन भी है। मैं एक एडवांस यूजर हूँ तो मुझे सी पैनल पसंद है, जो बिगनर होगा उसको शायद से सी पैनल पसंद नहीं आएगा, उसको एक ईजी डैशबोर्ड पसंद आएगा। सो ये चीज कॉन में भी जा सकती है और प्रोज में भी जा सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और इसका जो अगला कॉन है, इसके सर्वर्स नहीं है एशिया में। अगर आप लोग वेबसाइट इंडिया में होस्ट कर रहे हो तो ये कॉन हो सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड यहाँ पे आप लोगों को फ्री CDN मिल जाता है, तो वो चीज़ आप लोगों को कुछ हद तक कोप अप करने में हेल्प कर सकती है। फिर यहाँ पे आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है वाया फोन कॉल, चैट अच्छा है लेकिन फोन कॉल का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। एंड यहाँ पे ये चीज़ अभी भी डेवलपमेंट में है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट। सो बिफोर आई जंप ऑन टू द बॉटम लाइन, अगर आपको ये डिटेल्ड रिव्यू अच्छा लग रहा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। सो टॉकिंग अबाउट द बॉटम लाइन, आई थिंक इट कैन बी वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शंस फॉर मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग इन नियर फ्यूचर। अभी नहीं, मे बी डाउन द लाइन 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ये एक अच्छी मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग ऑप्शन हो सकती है। बट एट प्रेजेंट इसके जो मेजर ड्रॉबैक्स है एक बैकअप को लेकर के, तो अगर आप लोग सीरियस ब्लॉगर हो
तो आप लोगों के लिए बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप लोगों का बैकअप कहीं सेपरेट वेबसाइट से हो तो ठीक है, लेकिन अगर इसी जहाँ पे आप लोग होस्ट करते हो उनकी वेबसाइट से आप बैकअप लेते हो तो ये एक मेजर ड्रॉबैक हो सकता है। सेकंड मेजर ड्रॉबैक होता है इसका अप टाइम को लेकर के। तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं एंड आई एम होपिंग कि इसको फ्यूचर में इम्प्रूव किया जाए। इट इज़ स्टिल अंडर डेवलपमेंट, तो आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं अभी इसे एट प्रेजेंट सबको रिकमेंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग एक बिगनर हैं, आप लोगों के मेन ऑडियंस है US, UK, UK कनाडा में, डेवलप कंट्रीज में, तो आप लोग इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। वरना हमारे पास काफ़ी अलग अलग अच्छे ऑप्शन भी है। साइडग्राउंड अच्छा ऑप्शन है, A2 होस्टिंग अच्छा ऑप्शन है, होस्टिंगर अच्छा ऑप्शन है, और अगर आपको इनके ऊपर जाना है तो क्लाउडवेज भी एक अच्छा ऑप्शन है। इन सभी के डिस्काउंटेड लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके डेडिकेटेड रिव्यूज़ भी मैंने अपने चैनल पर किए हैं इन होस्टिंग के, वो भी आप लोग को मिल जाएंगे। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको थम्स अप दे दीजिएगा ताकि मैं इसी टाइप के और वीडियोस बना पाऊं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।